अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। शहीद सुनील कुमार के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पत्नी और पिता को दिलाया मदद का भरोसा, कांग्रेस पर भी बोला हमला। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने रविवार को शहीद सैनिक सुनील कुमार के परिजनों से मुलाकात की। बिहार रेजिमेंट के हवलदार सुनील कुमार गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव के साथ शहीद के पिता और पत्नी से मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शहीद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद कहा कि सुनील कुमार पर देश को गर्व है। राज्य और केंद्र की सरकार सदैव शहीदों के साथ खड़ी है और उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देगी। उन्होंने अधिकारियों को शहीद के लिए घोषित 35 लाख की सहायता राशि जल्द उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया और शहीद के परिवारजनों को हर मदद और बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतजाम करने का भरोसा दिलाया। गलवान घाटी पर राजनीति कर रही कांग्रेस को भी खरी खोटी सुनाई। आइए सुनाते हैं डिप्टी सीएम ने और क्या कहा। आज मैं आया था सुनील जो शहीद हो उनके घर के लोगों से मिलने के लिए। मैं जाऊंगा समस्तीपुर और वैशाली और पांचों शहीदों के घर पर जाऊंगा मिलने के लिए। देखिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बयानबाजी करी बहुत ही आपत्तिजनक है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, ऊंची बातें कही जा रही हैं, बहुत ही शर्मनाक। और यह केवल पीएम का अपमान नहीं है बल्कि देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। और मुझे याद है कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, कारगिल का जब युद्ध हुआ, उस ऑल पार्टी मीटिंग का कांग्रेस ने बहिष्कार किया और इस बार भी ऑल पार्टी मीटिंग में सारा विपक्ष एकजुट होकर पीएम के पीछे खड़ा रहा। लेकिन कांग्रेस के लोग सवाल कर रहे हैं, ये सवाल करने का समय नहीं है, ये एकजुटता दिखाने का समय है। कांग्रेस के लोगों से भी मैं यही आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में जो पुलवामा में जो हुआ, बाकी जो घटनाएं घटी, इसलिए प्रधानमंत्री जब कहा कि शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा तो धैर्य रखना चाहिए। हमको पीएम के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है और इसलिए कांग्रेस राजद के लोगों को ऊंची राजनीति नहीं करनी। इस दौरान शहीद सुनील कुमार की पत्नी ने डिप्टी सीएम को एक निवेदन देकर अपने सैनिक पति की प्रतिमा स्थापित करने और चीन से भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लेने की भी अपील की। इस दौरान तमाम अधिकारियों ग्रामीण भी मौजूद थे जिन्होंने शहीदों के नाम पर जिंदाबाद का नारा भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।